Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying our classes. आज मैं आपको दूसरे टॉपिक पे लेके जाता हूँ और बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट. दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बिजनेस अगर आज देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट है. क्यों है? कोई भी प्रोडक्ट बनाना आसान है लेकिन बेचना बहुत मुश्किल होता है. तो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया से प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, लेकिन जिस एडवर्टाइजमेंट की बात हम कर रहे हैं अभी वो चीज़ थोड़ा हटकर है. ये एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के नाम से जाना जाता है, वर्गीकृत विज्ञापन इन हिंदी. वैसे हमें कॉमर्शियल एड भी सीखना है, हमारे सिलेबस में कॉमर्शियल एड भी है, लेकिन आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का लिया है. आपने अखबारों में देखा होगा कि एक पूरा का पूरा पेज सैटरडे और संडे को निकाला जाता है. इवन हर दिन कुछ ना कुछ होता है, लेकिन सैटरडे और संडे को स्पेशल एडिशन होता है क्लासिफाइड का. उसके अंदर बहुत सारी सूचनाएं बॉक्सेस में होती है, छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, और वो वर्गीकृत इसलिए कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के विज्ञापन एक साथ होते हैं. जैसे कि मान लो कि मकान बेचना है, मकान खरीदना है, मकान किराए पे लेना है, मकान किराए पे देना है, इसीलिए वो वर्गीकृत कहा जाता है. तो हमारे लिए दोनों ही सिलेबस है, क्लासिफाइड भी है और कॉमर्शियल भी है. लेकिन अभी मैंने जैसा पहले कहा था, हम क्लासिफाइड के ऊपर आज फोकस करेंगे. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और कॉमर्शियल में फ़र्क क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं. कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो है वह कंपनी देती है और उसके लिए बहुत बड़ा पेज वो कवर करती है, या जैसे कंपनी के एसेट्स हैं उसके हिसाब से वो चुनती है कि कितना विज्ञापन देना है, कितना उसका सर्कुलेशन करना है, क्योंकि उनको प्रोडक्ट्स बेचना है. ये जो क्लासिफाइड एड है ये इंडिविजुअल नेचर का होता है, एक व्यक्ति का विशेष होता है. जैसे कि मान लो मेरे पास में मकान है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है और मैं उसे किराए पे देना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए कॉमर्शियल एड कैसे दूंगा? इसलिए वो वर्गीकृत दूंगा और उसमें से जिसको आवश्यकता होगी वो देखेगा और कॉन्टेक्ट करेगा मुझे. तो क्लासिफाइड एड के बारे में बात करें तो मैं क्लासिफाइड एड के बारे में आपको समझा चुका हूँ कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ये चीज़ क्या है. तो इंडिविजुअल नेचर का है और एक छोटा सा विज्ञापन बनता है इसके अंदर और अलग अलग ग्रुप के बनते हैं. तो कुछ एक जो सिलेबस में हमारे ग्रुप हैं वो मैं कुछ एक लिख रहा हूँ और भी आगे बताऊँगा. तो जैसे कि एक मैंने कहा क्लासिफाइड है टू लेट और रेंट, ये एक ग्रुप है, बहुत ही पॉपुलर, एग्जाम में भी आता रहता है. मैट्रिमोनियल्स, विवाह संबंधित, लड़का लड़की ढूंढना है, ये हो गया. तीसरा जॉब के लिए. चौथा एजुकेशनल, कुछ भी एजुकेशनल है, कोई कोर्सेज चल रहा है कहीं पे भी वो दे सकते हैं. सेल एंड परचेज, ये भी कवर हो जाता है इसके अंदर. यहाँ तक कि लॉस्ट एंड फाउंड का भी जो हम लोगों ने नोटिस में सीखा था वो यहाँ पे भी कवर हो सकता है, एक लॉस्ट एंड फाउंड टाइप में. तो ये ऐसे जो हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, टू लेट या रेंट, मैट्रिमोनियल्स, जॉब, एजुकेशनल, सेल परचेज, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप फील करते हो वो सारे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में आते हैं. तो मैं आज आपके लिए बहुत ही छोटा सा ले रहा हूँ जिससे कि आपको इसका रूपरेखा समझ में आ जाए कि हमें बनाना कैसे होता है. ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी आपके पास सूचनाएं उपलब्ध है वो सूचनाएं आपको लिखनी होती है और एक थोड़ा पैटर्न फॉलो कर लेते हैं. ग्रामेटिकली इसमें ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं होती, देर इज़ नो नीड ऑफ ग्रामर हियर मच, जस्ट एडजॉइनिंग द वर्ड्स एंड देन यू राइट द क्लासिफाइड एड. सो लेट अस सी हाउ वी राइट. सो आई एम टेकिंग टूडे दिस ग्रुप टू लेट. टू लेट मीन्स किराए पर देना है. सो सपोज आई हैव एन एक्स्ट्रा पोर्शन इन माई हाउस and I want to let, मैं उसे किराए पर देना चाहता हूँ, तो हाउ आई विल राइट. तो एग्जाम में आपके लिए जो प्रश्न है वो भी ऐसे ही होगा, वो भी मैं थोड़ा सा दे देता हूँ. सपोज यू हैव एन एक्स्ट्रा पोर्शन इन योर हाउस to let,
ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। इस प्रकार से आपके बोर्ड में CBSE, RBSE और दूसरे बोर्ड भी हैं, उनमें सब में आता है ये 12th क्लास के लिए स्पेशली। तो इस प्रकार का एक प्रश्न आएगा, तो आपको शायद प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको 5 मिनट में बना के बताता हूँ बिल्कुल ही लाइव कि कैसे ये बनता है। बहुत ही आसान है, आपके घर में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वही दिखाना है, कितने रूम आप देना चाह रहे हैं वो दिखाना है, कितना किराया मांग रहे हैं वो दिखाना है, दैट्स इट। तो बहुत ही जनरल नेचर का है। तो हियर वी आर जस्ट गोइंग टू राइट। तो आप सबसे पहले 28 कैपिटल में ले लो, लिख दे, वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में अभी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, फिर इस बॉक्स में आ जाएगा। ए टू रूम सेट, सपोज एक दो कमरों का सेट इज अवेलेबल। पहली बात है कि दो कमरे का सेट अवेलेबल है, उसमें फैसिलिटीज क्या है वो लिखते जाओ कोमा लगा लगा के, या वैसे भी लिख सकते हैं विथ ए सेपरेट किचन एंड बाथरूम। मतलब किचन और बाथरूम बिल्कुल ही अलग है रूम से, वो हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में पार्किंग फैसिलिटी के लिए आजकल की बहुत ज़रूरत होती है, पार्किंग फैसिलिटी फॉर टू व्हीलर्स एंड कार। अगर कार एक से ज़्यादा भी है या टू व्हीलर्स भी है आपके पास में एक से ज़्यादा, तो भी आपके लिए पार्किंग फैसिलिटी है, मतलब कुछ इस प्रकार से है। फ्रंट लॉन, थोड़ा सा लॉन भी है उस घर के आगे, वो भी यूज कर सकते हैं आप। एट ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे है, ये भी पता लग गया। लोकेशन क्या है, कौन सी कॉलोनी में, वो देना जरूरी है। एट शांति नगर बी ब्लॉक, सपोज यू वॉन्ट टू राइट सिटी नेम, यू कैन राइट सिटी नेम आल्सो जालोर और वेर एवर यू आर। अब आप खुद देखें कि क्या क्या सूचनाएं देना चाहता था, मैं वो सब दे चुका हूँ। ए टू रूम सेट इज अवेलेबल, दो कमरों का एक मकान उपलब्ध है, सेपरेट किचन है, बाथरूम भी है, पार्किंग फैसिलिटीज है टू व्हीलर्स के लिए भी, कार्स के लिए फ्रंट लॉन है, ग्राउंड फ्लोर पर है, शांति नगर बी ब्लॉक जालोर के अंदर है। अब मेन चीज़ क्या मेंशन करना है, किराया, फुल स्टॉप कर लें यहाँ पे। रेंट ₹8,000 पर मंथ एक्सक्लूडिंग, इसमें बिजली का बिल शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। इसका मतलब जो टेनेंट होगा, जो किराएदार होगा, उसको ₹8,000 आप मांग रहे हो और बिजली और पानी का बिल उसे भरना होगा, और ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो ₹8,000 का तो वो बिजली जला देगा आपका, तो फिर आपको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए इस प्रकार से बनाते हैं। अब क्या बच गया है, कॉन्टैक्ट एड्रेस। कॉन्टैक्ट आप अपना नाम जो भी है वो ले लें, आपका एड्रेस वही है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा एड्रेस है तो आप एड्रेस भी, आप दूसरी जगह पर रहते हो मान लो तो वो एड्रेस भी दिया जा सकता है। मुख्य चीज़ क्या है आज की डेट में कॉन्टैक्ट के लिए, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आना बहुत ज़रूरी है। आपके पास मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, जो भी है वो संपर्क साधने के लिए सबसे अच्छा साधन है, उसे ज़रूर देना है। एड्रेस आप देंगे तो वो आके देख सकता है कि भाई मकान की स्थिति क्या है, और आपने दे दिया है, अपना एड्रेस अलग है तो वो दे सकते हैं, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ या मोबाइल नंबर देने से भी काफ़ी हद तक काम हो जाता है। उसके बाद आपको बिल्कुल इसको जैसे वर्गीकृत में हम लोग देखते हैं अखबारों में कि ये एक बॉक्स के अंदर होता है, वो बॉक्स के अंदर ही इसको भी रखना है इस प्रकार से, और इसको क्लोज कर देना है, और ये भी इस प्रकार से ऊपर से लेना है एक थोड़ा लेआउट में,
आपको थोड़ा स्केल और इसका यूज़ करना पड़ेगा एग्ज़ाम में अगर आप हो, और ये आपका तैयार हो गया टू लेट। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग, यू हैव टू पुट द हेडिंग टू लेट। आपको हेडिंग टू लेट लिखना है, उसके बाद में जो फीचर्स हैं उस मकान के जो आप किराए पे देना चाहते हैं वो सारे फीचर्स आपको लिख देना है। किराया क्या है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो भी व्यक्ति आएगा उसको अपने बजट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, पॉकेट का। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप इलेक्ट्रिसिटी और वाटर अलग करके वो किराया लिखोगे। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू फॉर द डे, and in the next video I'll be telling you other kind of classified aids. So bye bye for now. Please like our video, subscribe our video. Thank you very much for watching us. Thank you very much.